और देने वाले को भी ये नहीं होना चाहिए उसके अंदर कि मैं एहसान कर रहा हूँ, ये भी उसको ध्यान रखना चाहिए कि मैं एहसान कर रहा हूँ। ये तो हक है, उसको देना पड़ेगा, उस पर हक है, अल्लाह ने दिया है उसको तो हक दिया है। एक आदमी खुद कमाता है, अब क्या खुद ही के लिए कमाता है क्या, वो किस किस के लिए कमाता है, उसकी बीवी के लिए कमाता है, बच्चों के लिए कमाता है, और उसके बाद में उस पर खर्च करता है, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि अब मैं कमाता हूँ, आमतौर पर औरतें नहीं कमाती, बच्चे तो पढ़ रहे हैं तो नहीं कमाते, तो वो कमा रहा है, लेकिन वो जाकर घर पर अपने बीवी और बच्चों पर खर्च करता है, क्यों? कि हाँ इनका हिस्सा भी अल्लाह ने मुझे दिया है। यहाँ तो समझ रहा है कि इनका हिस्सा इन बीवी बच्चों का अल्लाह ने मेरे को दिया है, मेरे पर जिम्मेदारी डाली और इसके जो है अल्लाह मुझे माल भी दे रहा है तो मैं इन पर खर्च करता हूँ, लेकिन ये नहीं सोचता कि दूसरा जो गरीब है उसके भी तो हक अल्लाह ने मुझे दिया है, वो भी जिम्मेदारी, वो माल भी मुझे दे दिया तो उसको भी हक मुझे अदा करना है। तो यहाँ तो देख लेता बीवी बच्चों के अंदर, बाहर के नहीं सोचता वो कि बाहर वालों का भी दे दिया है, तो वो अल्लाह, ये अल्लाह का ये काम है कि अल्लाह क्या करता है कि दूसरे का हक भी इसके अंदर ही दे देता है कि तेरी बीवी बच्चों का तो है, तेरे घर वालों का तो है, दूसरे का भी दे दिया तो ये तेरे पास है, उन पर भी तुझे देना है, तो वहाँ भी तुझे खर्च करना है।